Hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं टेस्ट करने वाली हूँ वायरल ब्लश चैलेंज. सो इस चैलेंज में हमें बेसिकली एक लिपस्टिक से ब्लश अप्लाई करना है और वो भी हमें अपने पूरे मेकअप से पहले ये स्टेप करना है. सो इस टाइम पे मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और प्राइमर लगा के हम ये जो चैलेंज में बताया गया था वो हम स्टार्ट करेंगे. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. मैं ये रेड लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ. मैं इस रेड लिपस्टिक से अपने चीक्स पे ब्लश लगाऊंगी और इसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाऊंगी ताकि अच्छे से हमारा जो ब्लश है, क्योंकि इसके ऊपर फाउंडेशन लगता है तो कम नहीं लगाना है वरना फाउंडेशन के आगे ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं. मैंने ब्लश लिपस्टिक से लगा लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा रेड लग रहा है. अब मैं इसको इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर कंसीलर या फिर तो इसको मैं पहले इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. सो इसको मैं पहले इस ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी अच्छे से. ब्लेंड तो ये बहुत ही इजीली हो जा रहा है. मे बी कि मैंने मॉइस्चराइज़ किया था अपने फेस को, क्योंकि जो लिपस्टिक है वो बहुत ज़्यादा मैट है. और हमें अभी लग रहा है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा रेड है, बट जब इसके ऊपर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो रेडनेस है वो चली जाएगी. इसके बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी अपनी अंडर आईज पे. सो बहुत लोगों को मैंने देखा था कि वो जिस ब्यूटी ब्लेंडर से लिपस्टिक ब्लेंड कर रहे थे उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपना बाकी बेस भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका बेस भी बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था. तो ब्यूटी ब्लेंडर आप चेंज करके स्टेप करिए वरना आपका भी फेस रेड हो जाएगा. तो मैं अभी चेंज ना कर इसकी अलग साइड से अपना जो कंसीलर है वो ब्लेंड कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैं ΝΙΒΕ का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ.
बाकी का मेकअप कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा था कि उनका लुक नहीं आता है ब्लश वाला, वो फाउंडेशन के साथ मिल करके वैसा ही हो जाता है और जैसा हमने लिपस्टिक लगाई है तो उस तरह का लुक नहीं आता है ब्लश वाला, पूरा मर्ज हो जाता है वो आपस में, तो उसमें ऐसा लुक नहीं आता है कि हमने ब्लश लगाया हुआ है, ऊपर से लोगों को लगाना पड़ता है। बट मैंने भी जिस टेक्निक से किया उसमें तो पूरा ब्लश का लुक आया है और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल फ्लश लुक है, ऐसा लग रहा है हम नेचुरल से, हमारे चीक्स ऐसे हैं। और ये टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई और बहुत ही अच्छा चैलेंज लगा मुझे। अब मैं काफ़ी बार ये टेक्निक यूज़ करूँगी, अगर मैं मेकअप कर रही हूँ और मुझे नेचुरल मेकअप चाहिए तो मैं ये वाली टेक्निक ज़रूर यूज़ करूँगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला चैलेंज और इससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जैसे जिन्हें ब्लश लगाना है उनको बहुत अच्छा लगता है ब्लश लगाना, बट जब वो लगाते हैं उनके चीक्स बहुत ज़्यादा ओवर रेड हो जाते हैं या फिर ओवर पिंक हो जाते हैं और वो अलग से लगने लगते हैं कि इन्होंने ब्लश लगाया है, बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो उनके लिए ये वाला लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर चेंज करके ये बेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही लुक आपका आएगा। और अगर आपने सेम ब्यूटी ब्लेंडर से किया तो पूरा फेस रेड हो जाएगा, मैंने काफ़ी चैलेंज वीडियोस में ये देखा है कि उनका पूरा फेस रेड हो गया। सो ये वाला चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसका लास्ट स्टेप कंप्लीट करूँगी, उसमें मैं ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इस लुक को एक बार पूरा कंप्लीट करूँगी। कर रहे हैं इतने ज़्यादा पिंकिश लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है नेचुरल मेरे चीक्स ऐसे ही हैं। और बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे ये वाला लुक, बहुत अच्छा लगा मुझे वाला चैलेंज और इसे करने में बहुत मज़ा आया। और अगर आप भी इस तरह का लुक चाहते हैं तो सेम टेक्निक जो मैंने इस चैलेंज में करी है आप भी वैसा ही कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट अगर आप एक बार कर लेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दैट्स इट, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, और ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।